हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा विद अमित। आज हम लोग पढ़ने वाले आयुर्वेद के इतिहास के MCQ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा स्थान विशेष रूप से सुश्रुत संहिता में वर्णित है? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी सिद्धि, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी खील। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल बल तंत्र में मुख्य क्या वर्णित है? ऑप्शन ए शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी शालाक्य चिकित्सा, ऑप्शन सी ग्रह चिकित्सा, ऑप्शन डी काय चिकित्सा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बदत नागा अर्जुन जो रस वैशेषिक सूत्र के लेखक हैं किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता की सुश्रुत अर्थ संदीपनी व्याख्या के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डलाहन, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी जेजट, ऑप्शन डी हरान चंद्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता में कौन सा स्थान नहीं है? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी निदान, ऑप्शन डी शरीर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर चक्रपाणी टीका कौन सी है? ऑप्शन ए आयुर्वेद दीपिका, ऑप्शन बी निबंध संग्रह, ऑप्शन सी भानुमति, ऑप्शन डी आयुर्वेद रसायन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शल्य विज्ञान के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए अग्निवेश, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी दृढ़बल। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावात व्याधि चिकित्सा किसका योगदान है? ऑप्शन ए चारक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वागवट, ऑप्शन डी षडंगधर। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के निदान स्थान का प्रथम अध्याय कौन सा है? ऑप्शन ए व्रण निदान, ऑप्शन बी वात व्याधि निदान, ऑप्शन सी ज्वर निदान, ऑप्शन डी मूड गर्भ निदान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अष्टविध शास्त्र क्रम का वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए भावमिश्र, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी षडांगधर, ऑप्शन डी वाग्भट। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षड क्रियाकाल का वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चारक, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच तृणमूल में नल को सर्वप्रथम किसने सम्मिलित किया है? ऑप्शन ए चारक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी षडांगधर। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संहिता के सूत्र स्थान में वेद उत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन है? ऑप्शन ए चारक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी हारित, ऑप्शन डी खरनाद। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में स्वस्थ व्रत का उल्लेखन कौन से अध्याय में मिलता है? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 34। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शरीर रचना, ऑप्शन बी शरीर क्रिया, ऑप्शन सी परिचारिका, ऑप्शन डी सभी का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शालाक्य तंत्र के उपदेष्टा कौन है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नीमि, ऑप्शन डी करबीर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्मात बहुश्रुत शास्त्रम विज्ञानात् चिकित्सा किस संहिता में उल्लेख है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चारक, ऑप्शन सी काश्यप, ऑप्शन डी हारित। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 66। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता का प्रसिद्ध एवं प्रचलित व्याख्याकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी डलहन, ऑप्शन सी अरुंधत, ऑप्शन डी हेमाद्री। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुश्रुत संहिता का समकालीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए चरक संहिता, ऑप्शन बी अष्टांग हृदय, ऑप्शन सी अष्टांग संग्रह, ऑप्शन डी औपदेवन तंत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए नेत्र रोग, ऑप्शन बी भूतविद्या, ऑप्शन सी भेषज कल्पना, ऑप्शन डी बीस। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगन चिकित्सा किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए शल्य तंत्र, ऑप्शन बी काय चिकित्सा, ऑप्शन सी अगत तंत्र, ऑप्शन डी कुमार भरत्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्र भूषण अध्यायों का वर्णन किस संहिता में है? ऑप्शन ए चरक संहिता, ऑप्शन बी सुश्रुत संहिता, ऑप्शन सी अष्टांग संग्रह, ऑप्शन डी अष्टांग हृदय। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत संहिता की प्रचलित एवं प्रसिद्ध टीका कौन सी है? ऑप्शन ए शशिलेखा, ऑप्शन बी गुडार्थ दीपिका, ऑप्शन सी निबंध संग्रह, ऑप्शन डी आतंक दर्पण। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सम क्रिया आदि का स्वस्थ पुरुष की परिभाषा में उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी षडांगधर। चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा